तुम्हारी हमारी सरस्वती माँ धरी तुम्हारो ध्यान आज सभा के बीच में मार रखो हमारो जिला एटा में भयो पाइंदापुर एक गाम सोहन गिरी ऐसे भये सुकरी गए भारी ना। आदरणीय श्रोता बंधु देखते हैं हम अंबर साथियों आप लोगों के समक्ष ये जिला एटा में जलेसर के पास ये पांदापुर गांव है। यहाँ जो नर्सरी का काम होता है यहाँ एक संत हुए थे उनकी संत की गाथा सुनाने के लिए हम जा रहे हैं। गौर करें किस तरीका से संत ने और नाम किया था और जग में नाम कर करके यहाँ से चले गए हैं। किस तरीका से नाम किया केसी शास्त्री आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं हुआ क्या अरे निहाल सिंह सुबह अरे नाम रे पेना भय पैदामी निहाल सिंह से कितने सज्जन आदमी थे हुआ क्या अरे निहाल सिंह सुबह नाम पैदा भय पैदा भई और उनकी पत्नी अरे उनकी पत्नी नारायण देवी सुंदर नाम बतामी भैया पूरे गांव ने बेटा की आज खुशी मनाई है पीरन पूरे गांव ने बेटा की आज खुशी मनाई है ही नहीं इतने धर्मात्मा सज्जन पुरुष हुए थे इनका बखान हम सुनाने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों हुआ क्या है इनके पुत्र पैदा हुए थे उनका नामकरण संस्कार किया गया था तो सोहन गिरी नाम रखा गया था। ऐसा ही नहीं हुआ क्या था बेटा दीपक अरे खुशिया सब रहे मनाई सारे पांदापुर वासी
पैदापुर वासी उस पुत्र को देख करके खुशी मनाने लगे, खुशी मनाने लगे। अरे खुशियां सब गए मनाई, सोबा बेटा की भरनी न जाई। बधाई बजने लगी। जब वो पुत्र थोड़े समय बाद बड़ा हुआ है, निहाल सिंह अपने पुत्र को देख करके बड़े प्रसन्न हैं। इतने प्रसन्न हुए अपने पुत्र को देखते देखते, कुछ कहा नहीं जाता है, सज्जन पुरुष थे और बेटा भी इतना सज्जन निकला, उसका कोई कुछ कहा नहीं जाता है। और हुआ क्या, बेटा जब बड़ा हुआ, हुआ क्या, सोहन गिरी जब बड़े भये और शादी दई करवाई है। अरे मुन्नी देवी नाम पत्नी को जोड़ी सुगड़ बनाई है। आई नहीं, इतनी सुंदर जोड़ी निहाल सिंह ने अपने पुत्र के लिए पुत्र वधू लेकर के आए थे, इसका कोई जवाब नहीं। मुन्नी देवी नाम पत्नी को सुंदर जोड़ी बनाई है। बहुत दिना को समय भयो इन्हने दे पुत्र जी आई है। निहाल सिंह का जो पुत्र था सोहन गिरी, उनकी शादी होकर के जब आई थी, उनके भी पुत्र पैदा हुए। कितने पुत्र पैदा हुए, बहुत दिना को समय भयो, अरे बहुत दिना को समय भाई ननी दे पुत्र जी आई है। सातल लाए भाई इनके यो शोभा बरनी न जाइए। मुन्नी देवी से जब सात पुत्र पैदा हुए हैं, देरी नहीं की और संत का भेष धारण करके और कौन सा कर्म करने लगे,
महात्मा सोहन गिरना देर करी नीलकंत भेष बनाई है। अरे कुत्ती के तमें बनवाई रही हम साथी रहे बताई गे आज उसी समय।